फेंक दिए भाई। चलते हैं ऑफिस से चलते हैं। अरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस में फर्स्ट बार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूँ अभी बिलासपुर में और मेरा यहाँ पे अभी लगातार भाई बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग चल रहा है। अभी मैं हूँ करण भाई के रूम पे और करण भाई मुझे अपने रूम पे यहीं पे छोड़ के अपने खुद चले गए भाई अपने घर। तो गाइस, ये है अपना रूम और इसमें तीन बेड है। इसमें से तीन बेड में से एक बेड मेरा है। आई डोंट नो वो वाली है नहीं पता मेरे को, लेकिन करण भाई आएंगे तब बताएंगे कौन सा मेरा वाला बेड है। और इधर अपना भाई सामान वैसे ही फेंक दिए भाई, वैसे अपने हिसाब से रखे हैं इसको, लेकिन ये फेंकने के बराबर ही है। फेंकने के बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उतना जगह नहीं है ना रखने के लिए सामान को, तो इसीलिए रख दिए हैं। तो ये फेंक जैसे लग रहा है कि फेंकाया हुआ है। मैं बॉयज़ हॉस्टल में रह रहा हूँ, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है भाई बिलासपुर। तो वैसे अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, चलते हैं ऑफिस से चलता हूँ, फिर पूरा बात मैं आपको बताता हूँ ऑफिस जाने के बाद। तो फाइनली मेरा ऑफिस में पहुंच गया भाई। ये है ट्विन प्लाजा और यही मेरा ऑफिस। गाइस, मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी बिल्डिंग में अपना ऑफिस है भाई बड़ा बिजनेस का। तो यहीं पे अपने को अभी जॉब करना पड़ेगा। तुम तो आज मेरा फर्स्ट दिन है तो मुझे नहीं पता क्या पहन के आना चाहिए, तो मैं ऐसे ही फॉर्मल ड्रेस में आ गया हूँ। और भाई मुझे अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट लग रहा है आज तो। तो चलो अभी ऑफिस के अंदर चलते हैं। हाँ देख क्या खुल गया, चलो भाई अपना जय वीरा होम्स यही ऑफिस है। तो चलो ऑफिस का अंदर, बहुत बिजी लग रहे हैं भाई। तो गाइस, अभी ना मैं यहाँ पे ऑफिस में आया और ऑफिस में आप लोगों को करण से मिला नहीं पाया, बिकॉज ऑफ करण भाई का कॉन्फिडेंस लेवल देख के मेरा पूरा कॉन्फिडेंस भाई ख़त्म हो गया। तो कोई नहीं, अभी मैं सीखने पर ध्यान दे रहा हूँ, जब सीख जाऊँगा अच्छे तरीके से तब करण से अच्छे से आप लोग का मीटअप कराऊँगा। फिलहाल अभी इस ब्लॉग को आप लोग इन्जॉय करो। अभी जा रहे हैं हम नाश्ता करने, मैं सुबह से यार खाना नहीं खाया हूँ, सुबह से भाई सुबह से। तो अभी चलते हैं नाश्ता करने या खाना खाने बोल सकते हैं। अभी दिन के बज रहे हैं 3। लाइफ में फर्स्ट बार, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन मुझे 100% ट्रेनिंग मिला भाई। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लिटरली सब मेरे ऊपर से पार हुआ। तो गाइस, मेरा आज ना फर्स्ट डे है इन ऑफिस में, बड़ा बिजनेस वाली ऑफिस में। और सबसे अलग बात ये भाई, और सबसे खतरनाक और सबसे सबसे ज़्यादा भयंकर बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं आज आया हूँ, आज से मेरा मतलब मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे, मतलब आज ही ज्वाइन किया हूँ, आज ही से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है भाई साहब। और भाई साहब ट्रेनिंग इतना खतरनाक है ना, आई थिंक 3 महीने तो लग ही जाएंगे ट्रेनिंग कम्प्लीट करते करते। तो यार मतलब 24 घंटे सबके पास होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे। उन 24 घंटे में लगभग 12 से 15 घंटा मेरे को वर्क करना पड़ेगा अगर उस लेवल पे काम करना है तो। ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिलता है 1-2 मिनट का सेकेंड का, उसमें मैं ब्लॉग बना दे रहा हूँ भाई, ताकि आप लोगों को मैं पल पल का अपडेट देता रहूँ, ऐसे क्या जरूरत पड़ी है मेरा अपडेट सुनने के लिए आप लोगों को। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ भाई, क्योंकि आप लोग का छोटा भाई है ना, तो कोई बात नहीं। चलते हैं अब अंदर, आपका इसको परफेक्ट वो करना है, आपके रोल पे करना है मुझे। देखो क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा वो रहता है गाइस, मुझे ना नोटबुक लेने के लिए निकला हूँ यार बाहर में। अभी तक मेरे को सब दुकान मिला, लेकिन मेरे को अभी तक कोई बुक स्टॉक नहीं मिला। भाई काम करने में मज़ा तो आएगा, बट ये है कि थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसको अपने को ना फाइट करना पड़ेगा, तो देखते हैं। फिलहाल मैं मेरे को यार अभी तक एक बुक स्टॉक कहाँ पर होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने टोटल 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर मैं पैदल पैदल होकर आ गया, लेकिन अभी तक मेरा कहीं बुक स्टोर नहीं मिला भाई। तो अभी चलते हैं करण भाई को बोलेंगे तो बुक स्टोर। गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सब मेरे को घूरे जा रहे हैं सब, क्यों क्यों। ऑल राइट, सो गाइस अभी ना सब कोई चले गए भाई ऑफिस से घर, मैं बचा हूँ और करण भाई इस ऑफिस में बचे हैं, बिकॉज ऑफ करण भाई इस ऑफिस के हेड हैं और मैं उनका असिस्टेंट बोल सकते हो। अभी मैं इस ऑफिस में ना इंटर्न हूँ, इसीलिए मुझे रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सीखूँगा उतना ही जल्दी अपना काम होगा। तो
अभी रुकना पड़ रहा है क्योंकि अभी कितने 7 बजने वाले हैं रात के, बाकी सब चले गए, तो अभी अपन 9-10 बजे जाएंगे घर। और लीड जनरेशन में ना फेसबुक से बस नहीं, फिर गूगल से तो वहां पे देख के तंग रह गया बस। बस अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हमने आज ऑफिस में ही खाना खाया। आज नहीं, हमेशा की तरह यही खाना खाते हैं, मेरे को भी यही खाना पड़ रहा है। तो वही है ना कि अभी अपन खाना वाना खा लिए, अब जाएंगे ऑफिस बंद करके घर, क्योंकि सब चले गए। हम लोग मतलब करण भाई ऑफिस के ओनर ही हैं, यही बंद करते हैं, चालू करते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पर खाना वाना मस्त खा लिए, शार्क टैंक देखते देखते। इसके बाद अब आ रहा नींद, अराउंड 10 बजे तकरीबन अपन चले जाएंगे रूम। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, होप सो दैट ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। गाइस टाइम हो रहे हैं 11 बजने वाले हैं रात के, हम लोग अभी तक ऑफिस में और करने वाले हैं, अभी चलते हैं वापस। करण भाई को दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं, वो अपने आप लीड आएगी उसके।